हेलो, मेरा नाम कात्यायनी है। मैं आपकी मैम समर जी को बंद कराई हूँ कमरे में और लॉक लगा चुकी हूँ। आज मैं आपका शो खुद ही क्रिएट करूँगी और मैं आपको अपनी क्लास की एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। टमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन, ब्रिंजल हैज अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। टमेटो Potatoes are brown. Onions are pink. Carrot has a juice which I can drink. I eat some daily with roti and rice. हो, आपको तो मैंने बंद कर दिया था। आप यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? जैसे आप सब पर लगा के थॉट्स में उड़ के पहुंच जाते हो, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपकी तरह उड़ करके सबके साथ पहुंचूं। तो फिर क्या मैं वो जगह ले सकती हूँ? क्या आप ही आज होस्ट करो ना? हाँ, पक्का? चलो तो फिर हम सबको इंट्रोड्यूस कराएं पहले। मैं करा दूं इंट्रोड्यूस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप देख ही रहे हैं कि जिंदगी फुल ऑन है आज इस शो पर और आज इस स्टेज पर। जी हाँ, कात्यायनी ने तो अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। मुझे आप जानते ही हैं। आप कह ही रहे हैं सिमर आगे बढ़ो, औरों को इंट्रोड्यूस कराओ। तो फिर हमारे साथ हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम स्नेहा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम लॉरेंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और हमारे साथ हैं दीप, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। दीप, मेरा नाम दीप तारा सिंह संधु है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शैमरॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और हमारे साथ है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, जितना मैंने एकदम कड़क सी आवाज में कहा वो उतने ही सॉफ्ट हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट पेरेंटिंग कोच हैं। बच्चों के साथ एकदम सॉफ्ट हैं। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स के साथ थोड़े कड़क हो सकते हैं। इनकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो हमने सोचा कि जहां पर हम कल बात कर रहे थे कुछ बच्चों के थॉट प्रोसेस की, तो आज हमने यहाँ फूल जैसे बच्चे भी बुलाए और साथ में जो आपकी कुछ क्वेरीज होंगी पेरेंटिंग को लेकर के, तो उसका जवाब हम डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से लेते रहेंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इन्हें लोग इनके जो सन है यशस्वी वंडर किड हैं, तो ये उनके फादर के रूप में जाने जाते हैं। और ये 3 इयर्स से ही, मतलब जब बच्चा 3 इयर्स का होता है ना, ऐसी स्टडी इनके पास है कि वो तब से ही बता सकते हैं कि बच्चा आगे लाइफ में क्या कर सकता है, किस लेवल का उसका थॉट प्रोसेस है, क्या उसको करियर चूज करना चाहिए, उसका जो सेंस है किस तरफ जा रहा है और कहां कहां वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा डॉक्टर बलहारा एक ऐसा स्टडी भी कर रहे हैं कि जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो 100% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सक्षम हो, और वो भी उस उन बच्चों की कैपेबिलिटी और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नॉट बाय मतलब चांस, इट्स बाय चॉइस, वो उसको चूज करें। और आने वाले 5-7 सालों में हम लोग सोसाइटी को एक ऐसा वर्किंग मॉडल दे देंगे जिसमें एक पूरा गांव एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा जहां वहां रहने वाले हर आदमी के साथ वो एक लूप बनेगा, और उस लूप में हर वो बच्चा इंक्लूड होगा, और उस बच्चे की ट्रेनिंग, उसका उसकी पेरेंटिंग, उसकी एजुकेशन इस तरह की होगी कि वो उनको जब वो बड़ा हो, तो जब तक वो 16-17 साल का हो, तो उसे एग्जैक्टली मालूम हो कि उसे करना क्या है अपनी लाइफ के साथ। तो फिर मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ बच्चों को इसलिए रखा है साथ में कि कुछ इनकी भी क्वेरीज होंगी या फिर आप इनसे सवाल करेंगे, तो सो डैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपकी वर्किंग किस तरह से रहती है, आप बच्चों से किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, और उसके बाद उनकी किन चीज़ों पर स्टडी की जाती है, ताकि उनका पाथ एकदम क्लियर हो आगे लाइफ के। इसमें क्या होता है सिमर कि एक पर्सन जो है वो कंप्लीट होता है दो चीज़ों से, एक उसका जो नेचर होता है और एक उसका बिहेवियर होता है।
यानी जो उसे कुदरत ने बनाया है बच्चे को, और प्लस फिर उसके बाद जो वो सोसाइटी से सीखता है पैदा होने के बाद, जो उसके घर से, पड़ोस से, स्कूल से एंड एनीथिंग, तो वो जितने भी बच्चे की उम्र है उसने उसको जो इनपुट मिला है प्लस जो वो बाय बर्थ जैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की बेस जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके बेस पे हमने अपना सिस्टम तैयार किया है जिससे हम उस बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं पहले कि बाय बर्थ ये बच्चा कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका लर्निंग मेथड, वो क्रिएटिव है कि लॉजिकल है, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी उसको लाइफ में किस तरह की चीज़ों को करने में मज़ा आएगा और किस तरह की चीज़ों को करने में मज़ा नहीं आएगा, उसका IQ, AQ, CQ, AQ, उसका एक्वायरिंग सेंसिटिविटी, ब्रेन पे कितना हम लोग लोड डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो हम फिर पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि देखिए ये है आपका बच्चा, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको हमने कुछ मटेरियल दे दिया, तो हम माँ बाप को ये बता रहे हैं कि ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, तो आपको जब बिजली के साथ खेलना है तो गलती से भी लोहा मत उठा लीजिएगा, तब आपको प्लास्टिक करना है, और जब आग के साथ खेलना है तब आप प्लास्टिक को नहीं यूज कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल नेचर अगर बच्चे की हमें पता हो, स्कूल के टीचर को पता हो, माँ बाप को पता हो, वो उस एक्चुअल नेचर के अकॉर्डिंगली हम उस अपने घर का माहौल ऐसा चेंज करते हैं उस जिसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेटेड ना हो, सब कुछ चीज़ों को समझ के करें, और उसकी नर्चरिंग इस तरह की हो उस बच्चे की कि जब वो 15-16 साल का हो तब तक उसके बेस्ट जो उसके टैलेंट्स हैं उनका निखार हो चुका हो, और तब वो अपने आप अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को बोले कि पापा या मम्मा मुझे ये करना है क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। क्योंकि आप पहले से ही अगर बच्चे को ये बता देंगे ना कि आपको क्या करना है, तो वो एक इस तरह से सीधा रास्ते पे चल पड़ेगा और वो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेज में टॉप 4 इंटेलिजेंसेज हैं उनसे रिलेटेड उसको काम में डाल दिया जाए, उसके बाद वो उनको डेवलप करता रहे और अपने आप उसको समझ आ जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि मैं पिछले 18-19 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब उस बच्चे को उस चीज़ का एक्सपोजर ही मिलता है ना, अब एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अवश्य ने बेटा स्नेहा, यस स्नेहा, तो स्नेहा बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। अब जैसे स्नेहा ने बोला कि मुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है, और आप क्या बनना चाहते हो मिस्टर संधु? पुलिस। आप पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये कात्यानी है, हाँ, ये कात्यानी, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के? मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूं। डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरा मन करता है। मन करता है, और आपका मन क्यों करता है? मैं लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। लोग खराब हैं? नहीं। नो, एक मतलब आप उनका इलाज करना चाहते हो जो बीमार हैं। और आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जो गलत काम करवा उनको पकड़ना चाहते हैं। Actually, करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, अब हमारे बच्चों ने हमें बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक बच्चा कह रहा है मुझे पुलिस में जाना है। आप अगर इन डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, इवन टीचिंग डिपार्टमेंट में जिसको हम बहुत सॉफ्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं, अब वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ काम करने वाले मोर देन 80% जो लोग हैं, मतलब हालांकि मैं ये सेफ साइड रखने के लिए बोल रहा हूँ, बट ये 90 से ऊपर है परसेंटेज, कि मोर देन 80% लोग अपने काम से खुश नहीं है। आपने ऐसे डॉक्टर्स देखे होंगे जो मरीज को देख करके, मतलब डॉक्टरी तो पास कर ली है बट दे आर नॉट हैप्पी विद द न्यू, मतलब पेशेंट्स। अब पुलिस में काम करने वाले लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी नौकरी से बहुत दुखी हैं, मतलब उन्होंने भी कुछ सोच करके ज्वाइन किया होगा। अब मान लीजिए दीप ने ये डिसाइड किया कि मुझे पुलिस में जाना है, और ओवर द टाइम कुछ ऐसा होता है कि उसको कोई इंजरी हो जाए, वो मेडिकली फिट ना हो, या उस वक्त जब इसकी उम्र हो उस वक्त में कोई पुलिस की भर्ती ना निकले, देन व्हाट? उसका तो बचपन का एक सपना था और हमने उस सपने को डिसाइड कर लिया था और वो पूरा नहीं होगा तो उसे सारी उम्र ये लगता रहेगा कि मैं पुलिस में जाना चाहता था। और अगर वो चला गया और उसका वो टैलेंट के साथ मैच नहीं करता हुआ तो वो सारी उम्र दुखी रहेगा कि मैंने ये नौकरी क्यों ज्वाइन की। क्योंकि एट द एज ऑफ 30, 40, 45 आप यू टर्न लेके कोई नया काम शुरू करने की हालत में नहीं होते, नहीं हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते हो। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि इतनी सी उम्र में इनको पहचान लिया जाए, इनके टीचर्स को बता दिया जाए, इनके माँ बाप को बता दिया जाए, और वो सिर्फ इनकी टॉप की इंटेलिजेंसेज पे काम करें और इनका जो सपना है उसको भी ध्यान में रखते रहे।
उसकी तरह से भी तैयार करते रहें और मल्टीपल इंटेलिजेंस पे जैसे ही हम उनको तैयार करेंगे तो एक स्टेज अपने आप आ जाएगी कि वो जो सपना है वो कहीं पीछे रह जाएगा और वो जो एक्चुअल टैलेंट है वो अपने आप दिमाग और दिल के उस मतलब को छू लेगा और बच्चा ये कहेगा कि मुझे तो यही करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस। अब जो वो काम अपने पसंद से कर रहा है और उसमें वो पूरी तरह से डूबा हुआ है जिसमें उसको फील ही नहीं होता कि टाइम कितना बीत गया, वो उसके लिए काम होगा ही नहीं। परफेक्शन आना लाजमी है और परफेक्शन आ गई तो लाइफ टाइम एंजॉय भी करेगा और उसका फाइनेंस मॉडल भी वो अपने आप ही बना लेगा। तो फिर आपने शो शुरू किया तो एक ब्रेक लेने का टाइम है, तो बोलिए ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे कायदा तो ये कहता है कि जब हमारी होस्ट आज ये कायदा नहीं है तो मेरा यहाँ पर बैठना बनता नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि चलो कायदा नहीं यहाँ बैठेगी तो डॉक्टर बलहारा से कुछ सवाल उसके भी होंगे या डॉक्टर बलहारा उसकी क्रिएटिव वर्क को देख करके क्या कहना चाहेंगे ये भी थोड़ा सा मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या वो उसके बारे में सोचते हैं। और आप अगर डॉक्टर बलहारा से या इन बच्चों से को कुछ भी पूछना चाहते हैं, बच्चों से कुछ भी आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है, क्या है, और पेरेंटिंग को लेकर के अगर आप डॉक्टर बलहारा से कुछ भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फिर आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद डॉक्टर बलहारा। आपके कुछ सवाल नहीं, बल्कि हम इन बच्चों से कंटिन्यू करते हैं। आजकल आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? स्कूल तो जा नहीं रहे हो ना कात्यानी? स्कूल जा रहे हो? जा रही हो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, आई साइड दुखने लग जाती है, मतलब मन नहीं करता करने का। तो हम क्या कर सकते हैं जब अगर ऐसा हो? और व्हाट अबाउट यू दीप? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लास अटेंड करके। तो जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब क्लास लगा रहे होते हैं फिर थोड़ी सी देर के बाद क्लास साइड में हो जाती है तो कोई गेम गाना मूवी साथ चल रहा होता है। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? मुझे पता है दीप, साथ में क्या चल रहा होता है? क्या चल रहा होता है? गाने चल रहे हैं। और उससे पहले क्या चल रहा था? चेस नहीं, गेम नहीं खेलता। तो फिर आपको जब मन नहीं कर रहा होता तब आप क्या करते हो? तब मैं ध्यान नहीं देती, मैं इधर उधर लग जाती हूँ, कहीं उधर उधर लग जाती हूँ। क्लास चल रही होती है बीच में और मैं साइड में देख रही होती हूँ। ये एक ना बड़ा बहुत सेंसिटिव इशू है वैसे अगर आज के दौर में देखा जाए। जब ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तब भी आप देखिए कितना स्ट्रेस था बच्चों के ऊपर। रीज़न क्या है कि आपने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दिया आने वाली पीढ़ी के लिए जब वो एक दूसरे से आगे भाग रहे हैं, मतलब वो कॉम्पिटिशन में हैं और उनको हर वक्त एक स्टेप आगे परफॉर्म करके दिखाना है। मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का सपना देख रहा हूँ जब बच्चा टीचर से मिले तो वो खिल उठे, जब वो किताब को देखे तो वो खिल उठे, मतलब उसकी एजुकेशन ऐसी हो कि उसे मज़ा आए। हम जब पेरेंट्स से पूछते हैं ना कई बार, जैसे हमारा कोई सेमिनार चला, 7-8 घंटे भी चल जाता है हमारा सेमिनार, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप 7-7 घंटे कैसे सुन रहे हो? तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम की हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट बन रहा है। बच्चों को ना जब हम स्कूल, अभी ऑनलाइन क्लासेस में मैं तो रेकमेंड नहीं करता था शुरू में, जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने कहा कि तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब चाहे आप किसी भी तरह से मतलब अपॉइंट करिए पर्सन को कि 4-4 बच्चों को पढ़ाइए, या क्योंकि स्क्रीन तो वैसे ही ब्लॉक करती है बच्चों के दिमाग को और इंटरेस्टिंग वे में तो हो ही नहीं पाता है, सिलेबस ही सिलेबस हो पाता है। और जैसे कि बच्चे अपने आप ही बता रहे हैं कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा वो सब्जेक्ट, तो इट्स रियली मतलब मैं इसको बहुत एम्बेरसिंग ही मानता हूँ बच्चों के केस में, तो कि ऐसी एजुकेशन क्यों हो, ऐसी क्यों ना हो कि वो हमें को एग्जिस्टेंस सिखाए इसकी बजाय कि हम कंपटीशन में दौड़े हैं। हमारे लिए हमें सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम सही से एजुकेशन को उसका फॉर्मेट तैयार करें
तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार हो सकता है जो को एग्जिस्टेंस के फॉर्मूले पर हो, ना कि कॉम्पिटिशन के फॉर्मूले पर। बाकी ये इन बच्चों से मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, बिकॉज क्योंकि एनर्जी इतनी होती है, बाहर घूमना है, बाहर खेलना है, फ्रेंड्स से मिलना है, तो अभी फ्रेंड्स से भी मिलना नहीं है, बाहर घूमना भी नहीं है, लिमिटेड सी जगह पर जा सकते हैं, तो कैसा लगता है दी? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब फ्रेंड्स से नहीं मिलना और लिमिटेड सी जगह में, बस स्कूल नहीं जा रहे इसलिए अच्छा लग रहा है। तो देखिए, स्कूल नहीं जा रहा उसको अच्छा लग अच्छा रहा है। लग रहा है, इसका मतलब स्कूल कहीं ना कहीं उसके लिए बर्डन है। एग्जैक्टली, आपको कैसा लगता है? बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा इस बात का लगता है कि स्कूल नहीं जाना पड़ता, और बुरा इस बात का लगता है कि दोस्तों से नहीं मिल पाते, कहीं जा नहीं पाते। तो स्कूल नहीं जाना पड़ता मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, ये सबसे बड़ा इशू है, या मतलब जल्दी तैयार होना, फिर पेरेंट्स बार बार कि हाँ रेडी हो जाओ टाइम से जाओ, ऐसा कुछ? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जल्दी उठना पड़ता है सुबह। इसके अलावा एक और रीज़न मैं मानता होता हूँ, हमारे स्कूल का जो एजुकेशन है वो ऐसा है कि एक बार बच्चा क्लास में एंटर कर गया तो जब वो या तो रिसेस में उठेगा या फ्रूट ब्रेक में उठेगा या कोई और क्लास होगी एक्टिविटी की तो उठेगा, अदरवाइज वो वहीं बैठा रहेगा। और कोई भी जीव, मतलब इस सृष्टि का कोई भी जीव लगातार 6 घंटे एक जगह जागते हुए बैठे रहने के लिए नहीं बना। और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल से जब आते हैं, जिस तरह से वो खुश होते हैं स्कूल से निकलते टाइम, जब छुट्टी होती है 2 महीने की, उस वक्त जितना खुश होते हैं, जिस तरह से वो किताबों को उछालते हैं, जिस तरह से बस्ता फेंकते हैं, जिस तरह से वो साफ दिखाता है कि वो एक बहुत बड़ा बर्डन था इसका मतलब इनके दिमाग के ऊपर। खासतौर पर जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तब तो सब उड़ा लिया है। कभी ऐसा किया नहीं, सब संभाल के रखा। कौन संभालता है? छुपाओ नहीं चीजें, मुझे पता तो है। आपकी किताबें कौन संभालता है, आप खुद या मम्मा या पापा? मैं खुद ही अपने आप से। तो अभी आप कौन सी क्लास में है? 8th। तो 7th की किताबें कहाँ हैं? पढ़ी हुई है। करना क्या है उनका? उनका कबाड़ी को भेज देना। कबाड़ी को भेज दे, लगता नहीं वो कभी काम आएंगे दोबारा? नहीं, किताबें किसी काम आती नहीं ना। आती है, पिछले साल की आती है, कैसे क्या काम आती है? पेज फाड़ने। कोई चीज जलानी हो है? और एक दूसरे के ऊपर पेपर मारने हो। इसलिए कब पुरानी किताबें काम आती है, इसीलिए संभाली है। हाँ दीप, कात्यायनी आप तो सर से कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? आप किस ऑफिस में हो? मैं, हाँ आप आए तो थे मेरे ऑफिस में एक बार, आपको याद नहीं है? नहीं याद है। तो देखिए, जब भैया का बर्थडे था। मेरे थोड़ा सा ज्यादा वो है आप से, ताकि मैं जान सकूं और हमारे व्यूअर्स तक भी चीजें इनके थ्रू पहुंच सके। बच्चों को बिठाने का मतलब यही था। आपको किस मतलब आपके फ्रेंड्स किस टाइप के बनते हैं, लाइक थोड़ा घर में अंदर रहने वाले या बाहर ज्यादा घूमने वाले, किस टाइप के फ्रेंड्स बनते हैं? बाहर ज्यादा घूमने वाले। तो फिर आजकल मुलाकात हो रही है उनसे? मिलना हो रहा है? नहीं। तो फिर कैसे बात होती है? किसी से भी नहीं होती, फोन में भी नहीं होती। फोन पे क्यों नहीं होती? बोर हो गए? बोर होते हैं। बोर होते हैं। स्नेहा आपके किस टाइप के? मेरे ऐसे हैं, जैसे मैं कोई भी सामान लाऊंगी, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी तो वो ले लेंगे मेरे से, और मेरे को फिर कहते हैं तू जा हम लेके जा रहे हैं। तो उसमें आपको आप उनको अपनी बात क्लियरली बता नहीं सकते कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं दे सकती हूँ, ये नहीं दे सकती हूँ, कुछ बताते नहीं है? अब तो मैं उनको बताती नहीं हूँ कि तुम कुछ लाए हो। तो कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब ज्यादा फ्रेंडली हो या इंट्रोवर्ट हो? थोड़ा फ्रेंडली हो। खूब सारे फ्रेंड्स हैं? ज्यादा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं बच्चे, एक दो ही रहते हैं। और स्कूल में? स्कूल में तो सारी है। तो स्कूल की क्या क्या चीजें मिस करते हो आप? स्कूल में मेरा फेवरेट था गेम्स पीरियड और आर्ट पीरियड। तो यू ड्रॉ? यस। वेरी गुड। और दीप, आप क्या स्कूल का मिस करते हो? गेम्स पीरियड।
अब क्या करें, ऑनलाइन। हाँ, आप क्या पसंद करते हो स्कूल में? मैम से कुछ पूछना पसंद करती हूँ। ओके, आप डॉक्टर बलहारा से भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है? आप कभी भी बीच में पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर बलहारा, एक्चुअली जैसे अभी गेम्स बंद हैं, एक जो एनर्जी होती है स्कूल के माहौल की, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है, ऑलमोस्ट सभी जगह, तो उससे आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए चीजें किस और जा रही है? आपका कौन है फ्रेंड? आपका कौन है? आप बन जाओ। बनोगे आप इनके फ्रेंड? तो फिर अपनी चीजें भी शेयर करनी पड़ेंगी, करोगे ना? नहीं, उसके बदले ये रिंग ले लूंगी। मतलब ये रिंग दे दोगे कि नहीं? ना, रिंग नहीं, मतलब बाकी सब चीजें आप शेयर करो। हां, रिंग नहीं, ठीक है। मैंने बड़ी उंगली में नहीं आ सकती है, मैं मांगूंगा ही नहीं आपसे रिंग, ठीक है? आई हैव अ क्वेश्चन। बाकी सब चीजें दैट हमारी क्लासेस हो रही है, हमारी क्लासेस होती हैं, उनमें गेम्स पीरियड भी होता है, पर ज्यादातर हमें एक्सरसाइज कराते हैं। पर जब हम स्कूल में जाते थे तब भी क्लासेस तो होती थी और गेम्स भी होता था। तब भी हमें बेंच पे, जब हम बारिश हो जाती थी बाहर, तो क्लास के अंदर ही जैसे सिट स्टैंड खिला दिया, ऐसे ऐसे गेम्स खिलाते थे। तो अब वो क्यों नहीं खिला सकते? घर में तो खिला सकते हैं वैसे तो। हाँ, तो क्यों नहीं खिलाते? I don't know, वो क्यों नहीं खिलाते, उनको खिलाने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी तो वो करवा ही सकते हैं घर में। जैसे जब लॉकडाउन था तो हम लोग घर में बैठ करके, अब जैसे यशस्वी सुबह 3-4 घंटे प्रैक्टिस करने जाता है, सुबह 4 बजे उठ के स्टेडियम, 3-4 घंटे शाम को जाता है। अब वो 8 घंटे जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज थी वो रुक गई एकदम से, तो 2-3 दिन के बाद ही वो मुझे कहने लगा कि वो तेरे अगर ज्यादा होता तो वो कम कैसे होता? क्या चीज? वाटर अगर ज्यादा होता, वाटर नीचे से लीक कर दो, वो कम कैसे होता? टैप खोल दो नीचे से। नहीं, आप कौन से वाले वाटर की बात कर रहे हो? जो पीते हैं तो कम कैसे होता है? अच्छा, पीने वाला पीते हैं तो फिर कम हो जाता है ना, इसमें गिलास में चला जाता है, प्रेस में डालते हैं तो भी कम बन जाती है ना। हाँ, ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है आपका। वो गिलास में से कहां जाता है ये पूछ वो डॉक्टर साहब से पूछो, वही बताएंगे, मुझे तो नहीं आता। मैं इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई, मुझे कोई साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो जो पॉइंट था, अगर वाटर कम हो जाता तो ज्यादा कैसे होता? ज्यादा कैसे होगा? तो मैं शो के बाद बता दूंगा आपको सारे आपके क्वेश्चन। मैं बताऊं? बताओ। हाँ? अगर पीता है पानी तो कम हो जाता है। हाँ? अगर प्रेस में डालता है तो कम हो जाता है। अगर मामा कुकी बनाते हैं तो कम हो जाता है। That's good. आपको पहले से पता था इसका मतलब? अगर मम्मा कपड़े धोते हैं तो बाल्टी का कम हो जाता है, भी हो जाता है कम। ठीक है, तो आप अपने कौन से फ्रेंड को ज्यादा मिस करते हो? मैवलिन। तो मुलाकात हुई नहीं इतना कोविड के, मतलब जब कोरोना है तो बात होती है, मुलाकात होती है कि नहीं, मिलना होता है? ऑनलाइन क्लास में होती है। तो जो उछलना कूदना और भागना दौड़ना, ये बच्चे की बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है, इसको रोकना, ये समझ लीजिए आप पूरी की पूरी पीढ़ी को तबाह करने के रास्ते पर है। कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, उनकी इस एक्टिविटी पे रोक नहीं लगनी चाहिए। पढ़ाई हो ना हो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ये कहता कि आप उनको किताबों में उलझा दीजिए, क्योंकि किताबों से मैंने आज तक किसी बच्चे को बहुत महान बनते नहीं देखा है। मतलब वो बना है, अगर किताबों से भी कोई बना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे इंसान, वो भी सिर्फ अपने पैशन की बदौलत बने हैं। और हम लोगों के पास, अपने हम पेरेंट्स के पास, हम टीचर्स के पास, पूरे स्कूल सिस्टम के पास, आप देखिए उस बच्चे के पैशन को निकालने का, पता लगाने का, उसको निखारने का आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब आप पूरी की पूरी पीढ़ी को कैसे अंधे कुएं में धकेल रहे हैं, एक दौड़ में आप उसको दौड़ा रहे हैं। और आज जो माँ बाप, मतलब आप ये देखिएगा IITs में जिन बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, जो PMT में जिनके एडमिशन्स हो रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करके, इसका मतलब वो वहाँ वेल फिटेड नहीं है, तभी तो, मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल,
क्यों करप्शन होगा? अगर मान लीजिए मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने काम के साथ करप्शन कभी करूंगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे करप्शन तभी करनी पड़ेगी जब मुझे ये लगता है कि ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 5-10 साल में जल्दी से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके और फिर इसको छोड़ने वाला हूँ, फिर कुछ और करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हम माँ बाप और हम टीचर्स और पूरा सिस्टम, पूरी सोसाइटी जो है वो बच्चों को जाने कैसे नौकरी और पैसे के लिए तैयार कर रहे हैं, ज़िंदगी के लिए नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस पर बैठ करके ना सोचना चाहिए हम लोगों को, और इस पर रीथिंक करके एक नए दिशा में उन बच्चों को लेके जाना चाहिए कि वो स्कूल से और टीचर से ना डरे नहीं, बिल्कुल वो जाना चाहें वहाँ, वो माँ बाप को ये कहें हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, बजाय इसके कि वो कहें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं जा रहे हैं। क्यों दीप, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद चोरों को कैसे पकड़े उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि ये बच्चे अगर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं, और आपसे थोड़ा सा ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिंदगी फुल ऑन, क्योंकि जिंदगी फुल ऑन तो तभी होगी ना जब ये वाला जो पीढ़ी है ये पूरी तरीके से खुलेंगे, है ना। तो इनके लिए हम इस शो में जब भी आपके पास वक्त हो जरूर मिलिए, और हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग बच्चे यहाँ आपसे आए और बात करें। और अभी मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए हमें जैसे कुछ गेम्स खेलने हैं जो घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, या घर में जो स्पेस है वहाँ पर भी नहीं खेले जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं तब? देखो घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, सामने आपके घर के पार्क होते ही हैं, घर के आसपास तो हमारे यहाँ तो पार्क है ही है, खुली जगह है वहाँ पर, तो आसपास के बच्चों के साथ मिलकर के आप अपने पार्क में तो खेल ही सकते हैं। तो पेरेंट्स आजकल थोड़ा कोविड की वजह से कहते हैं कि ज्यादा नहीं मिलना बच्चों से, ऐसा कुछ मम्मा है? पापा जाने ही नहीं देते नीचे एक्चुअली, ये क्योंकि कोविड की वजह से ही है। क्यों दी? कोविड के साथ है, कोविड तो एक बहुत छोटा सा, ये तो अब आया है ना। आप ये देखिए, इससे थोड़ा पहले देखिए, हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है, एक हम ऐसी सोसाइटी बनाते जा रहे हैं जो एक बहुत अजीब सी दिशा में है। मैं जब छोटा था मेरी मम्मा को पता नहीं होता था कि मैं गांव में किसके घर पे हूँ शाम को, उसको इतना यकीन होता था, उनको इतना यकीन होता था कि जब खाने का वक्त होगा वो जहाँ भी होगा खाना अपने आप मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पूरा गाँव उसका है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। पर आज हम, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ शहर में, आप जहाँ रहते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आप दो घर छोड़ करके अगले वालों को शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से जानते हैं या नंबर से जानते हैं, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम इतना ट्रस्ट भी डेवलप नहीं कर पाए कि अगर 3 फ्लोर हैं एक बिल्डिंग में हम अपने बच्चों को दूसरे फ्लोर में ही भेज सकें। ये जो इनसिक्योरिटी का जो समाज है, ये जो ऐसी फीलिंग्स हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कैद करके कब तक रख पाएंगे? 18 के बाद तो उनको बाहर भेजना ही होगा ना, जब तक वो छोटे हैं तब तक आप उनको रख सकते हो। और फिर तो, वही सोसाइटी उनको थोड़ा मतलब उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से बिहेव करना है, किसके साथ, है ना। तो मुझे लगता है कि सभी माँ बाप को लग करके एक ऐसी सोसाइटी को दोबारा से रिबिल्ड करने का वक्त है जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें, और अगर कोई गलत है तो उसको वो अथॉरिटीज की जिम्मेदारी हो कि गलत आदमी को सही समय पर पकड़ा भी जाए और उसको सजा भी बहुत जल्दी हो, ताकि दूसरों के लिए वो एक मिसाल बन सके। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसा समाज बना लिया जहां हम अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करें, उनके लिए बदले खुद लेने लग गए, तो फिर तो एनार्की आ जाएगी ना पूरे सोसाइटी के अंदर। तो एजुकेशन इसका बहुत बड़ा साधन है, मैं मानता हूँ कि अगर हम सही एजुकेशन देना जैसे ही शुरू करेंगे, उसका एक मूलभूत एक पहलू है कि माँ बाप की कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट तो फिर वहाँ जरूरत पड़ेगी टीचर्स की, जो कि आज मिसिंग है कहीं ना कहीं। देखिए कहीं पर भी कुछ भी कोई बच्चा गलत करता है तो कोई अब एक्स वाई जेड पर्सन जो उसको जानता है नहीं जानता है उसको रोक नहीं सकता, उसको टोक नहीं सकता, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये होगा कि सोसाइटी एक दूसरे से मिलनसार बनेगी ही नहीं। हम दूसरे को इतनी छूट ही नहीं दे पा रहे हैं
कि वो हमें आकर के कुछ बात करे, हमसे मिले और हमारे साथ वो सिक्योर फील करे, तो वो कैसे होगा? होगा जब हम इन बच्चों की जिंदगियों के जो रास्ते हैं खूबसूरत, छोटी 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 समझ से, छोटे छोटे कहते हैं कि रिश्तों से, छोटे छोटे ट्रस्ट से बना करके आगे चलेंगे। और तभी तो, जब ये होगा तो जिंदगी खूबसूरत होगी और जिंदगी फुल ऑन होगी। और आप सबका थैंक यू शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कम टाइम हम आपसे बात कर पाए, मैं चाहती थी कि खूब हम मुझे बोलने ही ना दें आप, हैं, लेकिन क्या है ना, बड़ों की आदत होती है, जहाँ बैठ जाते खुद अपनी चलाते हैं, दूसरे बच्चों को चलाने नहीं देते, बोलने ही नहीं देते हैं। तो कहता है नहीं, आपने शो शुरू किया था ना, तो आप आइए, आप कहिए कि कल फिर सिमर जी आपको मिलेंगी इसी शो में इसी वक्त, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बोलिए। आप तब इस शो में मिलिएगा कल हाँ, और अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल याद रखिएगा और देखते रहिए जिंदगी फुल ऑन और देखते रहिए जिंदगी फुल ऑन। टेक केयर, बाय बाय।